भाई साहब, अगर आपने कभी कच्ची दाबेली नहीं खाई है तो क्या ही खाया है। हम भाई साहब सूरत की फेमस है कर्णावती दाबेली सेंटर, यहाँ दाबेली खाना है। मैं बचपन बहुत दाबेली खा रखी है, जामनगर में चेप रखी है। वैसे ब्रेड ब्रेड होती है, बीच में मसाला डालते हैं, बर्गर जैसा सीन होता है। दाबेली पता ही होगा यार मैं क्या समझा रहा हूँ, पर सूरत में पहली बार हम दाबेली ट्राई कर रहे हैं कर्णावती की। ये जगदीप भाई बताते जाओ एक सेकंड, ये पहले नहीं नहीं पहले चटनी क्या डाला, ये पहले इमली चटनी डाली, इसके बाद ग्रीन चटनी। इमली चटनी, ग्रीन चटनी में क्या है, धनिया? हाँ, धनिया, पालक, मूंगफली भी है क्या इसमें? मूंगफली डलती है? नहीं, भी डालते, डालते ना। हाँ, गुजराती चटनी है। हाँ, और ये इसमें आलू का मसाला, हाँ, मूंगफली, सिंग दाना बोलते हैं जिसको यहाँ गुजरात में, ये वो डल गया। और मस्त, ओए होए होए, क्या है, दिल खोल के जो मसाला भरा है जगदीप भाई ने, ओह मजा। ये क्या है? जाम। अच्छा, जैम है ये? जैम भी डलता है या सॉस? जैम ही डलता है। ओहो, जैसे मिक्स फ्रूट का जैम, वो वाला? ओहो, वो सबसे पहले आपने बनाई ऑयल दाबेली? ऑयल ये आपने बन रही है रेगुलर? अच्छा, ओके, वही सेम मसाला, चटनी, सिंगदाना, सिंगदाना बोलते हैं, बीबी बोलते हैं ना इसको। ओहो हो, ये और अपनी दाबेली बटर चीज में चीज कौन सी ग्रेट करके डालते हो? हाँ, फ्राई करके। ओहो, ये हो गई अपनी तीसरी दाबेली तैयार दोस्तों, मस्त। अब इसको तवे पे, ये ऑयल वाली दाबेली, ऑयल फ्राई दाबेली। तो दोस्तों एक है ऑयल फ्राई दाबेली, ये है 20 रुपए की, है ना? मस्त। ओहो हो भाई साहब, नॉस्टैल्जिया दाबेली खाना। मैं दाबेली खाता था तब 5 रुपए की दाबेली मिलती थी जामनगर में। ओहो, और तीनों को साथ में कर दो, नहीं अलग अलग होगी? अलग अलग होगी दोस्तों, तसल्ली से, तसल्ली बख्श काम किया जाता है। और आपको बता दूं, जब तक दाबेली सिक रही है, कि अगर आप कर्णावती पे दाबेली खाने आए तो साथ में यहाँ पोहा भी मिलता है। ये पोहा है ना भैया? ये पोहा भी मिलता है। और क्या क्या मिलता है अपने यहाँ? अच्छा, चाइनीज पिज्जा वगैरह का भी मिलता है, तो दाबेली तो है ही। हम तो स्पेशली दाबेली खाने आए दोस्तों, हमने बहुत नाम सुना था कर्णावती दाबेली का। तो ये हो गई सबसे पहली, ये तो बटर में करना है ना? हाँ, बाकी ये है, ये बटर वाली देखो दोस्तों, ये दूसरी है बटर वाली। ओए होए 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 होए, मजेदार। ओहो हो, ये जो उसको सेकने का तरीका ना दोस्तों, पहले ऊपर से नीचे और साइड से भी जो आलू बाहर निकला होता भर गया, वो पूरा सेकते एकदम मजेदार। और यहाँ हमारी दाबेली बन रही है और यहाँ पे 3 लोग वेट कर रहे हैं। ये देखो, दाबेली खानी है आपको? हाँ, बहुत जोर से। हाँ, कितना जोर से? बहुत भूख लग रही है। अच्छा, चूहे कूद रहे, बिल्कुल इनको तो, एक तो चूहे मारने की दवा दे दो। हाँ, अरे बनने तो दो, बनने तो दो। ये जगदीप भाई ले आए हैं चीज, हमारी चीज दाबेली के लिए स्पेशल। कैसे? अच्छा, ये ओहो, ये खुल के डलेगी? yes. तो पहले क्या भूल गए थे? पैक कर, सील पैक कर दी थी? yes, ओह, तो ये ऊपर से चीज़ डलती है। ये चीज़ दाबेली पहली बार खा रहा हूँ, क्योंकि उस ज़माने में चीज़ दाबेली होती नहीं थी, क्योंकि उस ज़माने में चीज़ ही नहीं होती थी, यहाँ पे ऐसे मिलती नहीं थी, जो खुले में आज। ओहो, ये चीज़ दाबेली रख लो, ये हमारी हो गई चीज़ दाबेली, ये है हमारी बटर दाबेली, और एक है हमारी ऑयल दाबेली। तीन तरह की दाबेली, आउट टेस्ट कर बताता हूँ। तो दोस्तों पहले हम ले लेते हैं बटर दाबेली। ये देख रहे हो भाई साहब, मूंगफली साइड से निकल निकल के उछल उछल के आ रही है, देख रहे हो? ये मूंगफली है और बटर में तो तली हुई है। ओहो हो, इसका मेन गेम होता है आलू के मसाले का। और गैजम सा ही आ गया। ओहो हो, ये है अपनी ऑयल दाबेली। कमेंट में कोई ऐसा बोल मत देना अकेला खा रहा है, देख रहे हो इसे वेट कर रहे होते हैं एक बाइट का, सब खाएंगे ऐसा नहीं है। ओहो हो, चटनी डलवा देना दोस्तों, कॉम्प्लीमेंट्री मिलती है और फील बहुत ज़्यादा है। ऑयल दाबेली, ऑयल और बटर में खास ऐसा फ़र्क नहीं है, टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त है दोनों का। ये है चीज़ दाबेली। अगर बर्गर खाने का मन हो पर पैसे 30 रुपये ही हो जेब में, तो ये भाई साहब ये देखो, लोडेड विद चीज़। गुजरात में चीज़ दिल खोल के डालते हैं, मतलब पता नहीं क्योंकि यहाँ अमूल है या क्या सीन है। चीज़ आप बोल दो, मुंह से ची निकल दो, ऐसा भर देंगे ना टब से आपके उसमें।
चीज ही चीज। तो मुझे खाना होगा तो मैं बटर खाऊंगा या मैं ऑयल वाली खाऊंगा, क्योंकि इसका बहुत ओवर पावरिंग चीज़ का टेस्ट है। दाबेली का अपना टेस्ट इतना ज़बरदस्त होता है, जरूरत नहीं चीज़ की, जो ऑथेंटिक है वो यही है, वो यही है। हाँ, ये दाबेली के लिए शुरू है यहाँ पे गुजरात, ये लवन पाजी जिनको नहीं पता वैसे दिल्ली से, पर दिल्ली में दाबेली का इतना तो ये यहाँ शिफ्ट हो गए और हम दाबेली दबा रहे हैं। तब तक आप वीडियो को लाइक मत करना भूलिए और सब्सक्राइब नहीं किया, बता रहा हूँ मैं। जैसे यहाँ सिर्फ दाबेली खाना है सूरत में, वैसे घर पहुँच जाऊँगा, ऐसे हाथ पकड़ के ऐसे दबवा दूंगा सब्सक्राइब का, देख रहे हो, सब्सक्राइब कर देना। हाँ तो दोस्तों इतना तो करना होती दाबेली सूरत की, बहुत ही मज़ेदार। अब चलते हैं आगे, अब हम आ गए हैं सूरत में फेमस सैंडविच खाने, क्योंकि गुजरात में सैंडविच का बहुत कल्चर है जैसे बॉम्बे की तरह। तो शिवम फास्ट फूड कॉर्नर, हमने सुना कि भाई साहब यहाँ का सैंडविच बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत नाम है इनका, बहुत फेमस है। तो इन्होंने स्पेशली हमसे, हमने इनको पूछा था कितने बजे आ जाए हम वीडियो बनानी है, उन्हें तो उन्होंने बोला था शाम को ठीक 5 बजे आ जाना, 5 बजे हम एक साथ थोक में सैंडविच बनाते हैं। तो इन्होंने लाइन से लगा के सैंडविच बनाने का सीन है, ऐसे एक बार में ही 40-50 बनाना शुरू कर देते हैं जैसे ऑर्डर आना शुरू करते हैं। तो हमने भी अपने लिए बनाया एक वेजिटेबल चीज सैंडविच, अब आपको टेस्ट करके दिखाते हैं। तो ये है वेजिटेबल चीज़ सैंडविच, ये दो तरह की चटनी है और भाई साहब मैं बोला ना गुजरात में जैसे दिल खोल के चीज़ खाते हैं लोग, डालते हैं, कहीं नहीं पूरी दुनिया में हिंदुस्तान में इतना चीज़ कहीं कंजम्पशन है ही नहीं। मुझे एक बार देखना है एक्चुअली कि कहीं और चीज़ इतना खाते हैं क्या लोग, इटली विटली में भी नहीं खाते। तो दोस्तों हम ले लेते हैं इसका एक पीस और टेस्ट करके आपको बताते हैं। ओहो ये तो चादर से उतर गई चीज़, तो एक ही पीस के साथ चली गई। सही है, ऐसा आउट ऑफ द वर्ल्ड नहीं है, ठीक है। चटनी के साथ शायद कुछ और बेटर लगे। तो इसमें है बहुत सारा शिमला मिर्च है, इसमें टमाटर है, इसमें खीरा है, इसमें प्याज है, इसमें आलू का मसाला है, इसमें और ऊपर से ये चीज़ है, इसमें ये सारी चीज़ें। तो दोस्तों इसी के साथ ये पता चला कि मार्केटिंग बहुत सही चीज़ होती है, मार्केटिंग से भी दुकान चल सकती है, ज़रूरी नहीं कि खाना बेस्ट ही बनाओ, कोई ज़रूरी नहीं है, सीखने को मिलता है देखो लाइफ में। जैसे अभी आपने, मैं सिखाने वाला हूँ कि अगर ऐसा वीडियो देखो किसी का और पसंद आए तो क्या करना है, सब्सक्राइब, है ना, सीखने वाली चीज़ है वीडियो, क्या करना है लाइक, सब सीखने वाली चीज़ है भाई, सब सीखने वाली चीज़ है।